ये कहता है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन. अब देखो एक्स जो मोशन है वो ऐसे इस तरह से हमने डिस्क्राइब कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 8 + 12 t और माइनस टी की पावर क्यू. ये कहता है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी जीरो. फिर वही पुरानी कहानी कि अगर वेलोसिटी जीरो हुई है तो उस वक्त उसका एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कितना है. तो ये बात तो मुझे पता ही नहीं है कि वेलोसिटी कब जीरो हुई है. तो अगर पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो फिर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, एक्सीलरेशन चाहिए एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा. ठीक है, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ से मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी 12 और माइनस 6t² और जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस 6t. देख रहे हो एक्सीलरेशन वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है और पोजीशन भी वेरिएबल है. हमें एक्सीलरेशन ही चाहिए क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है. वेलोसिटी तब जीरो हुई है तो वेलोसिटी को जीरो रख दो और वेलोसिटी को 0 - 3t². ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड बाद जो है वो वेलोसिटी जीरो हो चुकी है. तो 2 सेकेंड बाद अगर वेलोसिटी जीरो हुई है तो एक्सीलरेशन निगेटिव आ रहा है, तो माइनस 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 12 m/s² रिटार्डेशन है. ठीक है, मतलब ये अपना डी ऑप्शन सही है ना, क्योंकि हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालना था तो हमने डिफरेंशिएशन यूज करते हैं dx/dt.